मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ सदी का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण 31 जनवरी 2018 को आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल घरेलू टुटके में। इस जानकारी को बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल घरेलू टुटके को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि पा सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत को दानवों ने देवताओं से छीन लिया। इस दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर कन्या का रूप धारण करके दानवों से अमृत ले लिया और उसे देवताओं में बांटने लगे, लेकिन भगवान विष्णु की इस चाल को राहु नामक असुर समझ गया और वह देव रूप धारण कर देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही राहु ने अमृत पान किया, उसी समय सूर्य और चंद्रमा ने राहु की तरफ इशारा कर भगवान विष्णु को उनकी सच्चाई बता दी। उसके बाद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। अमृत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई, इसलिए उनका सिर व धड़ राहु और केतु छाया ग्रह के नाम से सौर्य मंडल में स्थापित हो गए। माना जाता है कि राहु और केतु इस बैर के कारण सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के रूप में स्थापित करते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहण को मानव समुदाय के लिए हानिकारक माना गया है। जिस नक्षत्र और राशि में ग्रहण लगता है उससे जुड़े लोगों पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप वह कुछ जरूरी सावधानी अपनाकर इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। ग्रहण इस शब्द में ही नकारात्मकता झलकती है, एक प्रकार के संकट का आभास होता है, लगता है जैसे कुछ अनिष्ट होगा। ग्रहण एक खगोलीय घटना मात्र नहीं है, एक ओर जहां इसका वैज्ञानिक महत्व है तो दूसरी ओर ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह एक आध्यात्मिक घटना होती है जिसका जगत के समस्त प्राणियों पर काफी प्रभाव पड़ता है, विशेषकर सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का। ग्रहण खगोलीय विज्ञान एवं ज्योतिष शास्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होती है, इसीलिए ग्रहण पर वैज्ञानिक एवं ज्योतिषीय समाज अपनी दृष्टि जमाए रहता है। इसका प्रभाव आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। ग्रहण के दौरान कई कार्यों को वर्जित माना गया है, इसलिए ग्रहण के बारे में हमें विस्तार से जानना आवश्यक है। ग्रहण क्या है? खगोल शास्त्र के अनुसार जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तब ग्रहण होता है। हर साल में सूर्य व चंद्र ग्रहण दिखाई देते हैं जो पूर्ण व आंशिक समेत अलग अलग प्रकार के होते हैं। चंद्र ग्रहण क्या है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब यह चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोकती है और उसमें अपनी छाया बनाती है। इस घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। साल का सबसे पहला चंद्र ग्रहण 31 जनवरी को पुष्य अश्लेखा एवं कर्क राशि में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बुधवार के दिन होगा। ग्रहण शाम को 5:18 पर प्रारंभ होगा। इसके बाद 6:22 खग्रास काल प्रारंभ होगा जो ग्रहण के मोक्ष काल 8:41 तक रहेगा। पूरा ग्रहण 3:23 का रहेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, पूर्वीय पश्चिम बंगाल में चंद्रोदय के बाद शुरू होगा। देश के बाकी हिस्सों में ग्रहण चंद्रोदय से पहले आरंभ हो जाएगा, अर्थात ग्रस्तावस्था रूप में दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई देगा। इस पूर्ण चंद्र ग्रहण में पृथ्वी वासियों को दुर्लभ नज़ारा देखने को मिलेगा। ये ब्लू मून कहा जाता है और 150 साल से ज्यादा समय बाद दिखाई दे रहा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिम एशिया और पूर्वीय यूरोप में दिखेगा, जबकि भारत में इसको सबसे स्पष्ट रूप से आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार व पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण पर क्या रखे सावधानियाँ? चंद्र ग्रहण के समय मंदिर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए और किसी भी भगवान की मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस समय तुलसी समी वृक्ष को नहीं छूना चाहिए।
ज्योतिषाचार्यों की सलाह है कि ग्रहण काल के समय खाना ना खाएं, ना ही कुछ पिए, प्रभु का स्मरण करते हुए पूजा जप दान आदि धार्मिक कार्य करें। इस समय नवग्रहों का दान करना भी लाभकारी रहेगा। जो विद्यार्थी अच्छा परिणाम चाहते हैं, वे ग्रहण काल में पढ़ाई शुरू ना करें, बल्कि ग्रहण काल के समय से पहले से शुरू कर ग्रहण काल के दौरान करते रहे तो अच्छा रहेगा। घर में बने पूजा स्थल को भी ग्रहण के दौरान ढक कर रखें। ग्रहण से पहले रात्रि भोज में से खाना ना ही बचाएं तो अच्छा रहेगा। यदि दूध दही व अन्य तरल पदार्थ बच जाए तो उनमें तुलसी अथवा कुसा डालकर रखें। इससे ग्रहण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। ग्रहण समाप्ति पर पूजा स्थल को साफ कर गंगा जल का छिड़काव करें। देव मूर्ति को भी गंगा जल से स्नान करवाएं व तदोपरांत भोग लगाएं। दोस्तों, आज हमने बताया ग्रहण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।